मंगल परिणय के सात वचन। जिंदगी की डगर पर बढ़ते कदम जब जीवन साथी का उचित चयन कर लेते हैं, तब परिणय के मंगल पाथे का प्रारंभ होता है। शादी की मानसिक तैयारी एक पक्षीय यानी वन साइडेड नहीं है। इसमें दोनों पक्ष बड़ी आतुरता और उत्साह के साथ तैयारी में जुट जाते हैं ताकि परिणय मंगलकारी बने। हालांकि चयन के फर्स्ट स्टेप से उन्हें आपसी आत्मीयता का सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण वे एक दूसरे के लिए आदर और खुशकिस्मती का अनुभव करते हैं। परिणय कुदरत का ऐसा अनूठा वरदान है कि एक पक्ष मांगे तो कभी न मिले और दोनों मांगे तो अवश्य मिले। इसलिए विवाह का आशय दो की प्रार्थना से मिलने वाला अतुलनीय वरदान है। मंगल परिणय का मतलब है दोनों के हाथों में मिलने वाला अद्भुत प्रसाद या फिर दोनों पर बरसने वाला अलौकिक आशीर्वाद। विवाह की शुभता में एक तरफा मानसिक तैयारी फलदायी नहीं बनती और दो के सहयोग से कामयाबी मिले बिना नहीं रहती। परिणय की तैयारी में मात्र कपड़े और जेवर की भरमार, मित्र और मेहमान की मनुहार, आमंत्रण पत्रिका की आकर्षकता, समारोह के संयोजन का फटाटो, दहेज का लंबा चौड़ा आयोजन और मुलाकातों के दीर्घ सिलसिले में पूर्ण नहीं होती, अपितु परस्पर अनुकूल बनने की अंतरंग तत्परता का नाम मानसिक तैयारी है। परिणय के दीर्घ मार्ग पर निरंतर संग चलने हेतु भीतर तैयारी का पाथे आवश्यक है। इससे एक दूजे के साथ ता जिंदगी रहने की मानसिकता सशक्त बनती है। यद्यपि परिणय सूत्र में बंधने वाले स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग हैं, तथापि वे मानसिक समानता के सांचे में ढलने के लिए संकल्पबद्ध है। जिन दो व्यक्तित्व का साथ एक दूजे की शोभा एवं पारस्परिक विकास में सहयोगी बनाने वाला है, उसे समग्रता से यानी 360 डिग्री से जानना ही मानसिक तैयारी है। यूं प्रत्येक मानव अपने आप में यूनिक और स्वतंत्र है। किसी भी दो मनुष्य की अकल, शकल, आचार, विचार, हाव भाव एक जैसे नहीं होते। सबकी अपनी खासियत है, सबके अपने ख्याल हैं, सबके अपने संस्कार हैं एवं सबके अपने इमोशंस हैं। उसमें सफलता तक पहुंचने की प्रतिभा भी है। ऐसी विषम स्थिति में दो व्यक्तियों के बीच मेल जोल बिठाना अत्यंत कठिन कार्य है। उसमें भी एक स्त्री और एक पुरुष के मध्य मेल बिठाना तो बिल्कुल दुस्साध्य सा प्रयोग है। चूंकि स्त्री और पुरुष का आंतरिक तंत्र एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, अतः उसे पहचानना और स्वीकार करना मंगल परिणय की मेंटल प्रिपरेशन का पहला कदम है। दोनों की शारीरिक आकृति में जितना अंतर है, उतना ही अंतर उनकी मानसिक प्रकृति में है। अगर स्त्री और पुरुष दोनों एक रूप होते तो उनके व्यक्तित्व की मौलिकता और स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित रहती। अतः एक बात तय है, दोनों के व्यक्तित्व का और विशेषताओं का अपना अपना महत्व है। शक्ति प्रदर्शित करने के मामले में पुरुष पराक्रमी साबित हुआ है तो शांति के विषय में स्त्री ने पहल की है। स्पष्ट है, दोनों भिन्न भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों अलग अवश्य है किंतु पराये नहीं हैं। इतना ही नहीं, वे स्वतंत्र होते हुए भी साथ साथ जीने का संकल्प लिए हुए हैं। अगर दोनों एक दूसरे के लिए सहायक, पोषक एवं समापक बनकर जीते हैं तो परिणय मंगल और सुखदायी सिद्ध होता है। कहा भी है, परिणय एक निश्चित विश्वसनीयता की मांग करता है, अकेले में भी और दुनिया के सामने भी। परिणय के अंतर्गत निकटता और नाजुकता शब्द बहुत मायना रखते हैं,
क्योंकि मानव मन ज्योमेट्री के रूल से चलता है। ज्योमेट्री के अनुसार जब दो स्ट्रेट लाइंस अत्यंत निकट आती है तो परस्पर एक दूसरे को छेद कर आगे निकल जाती है। इससे विपरीत पैरेलल चलने वाली स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के नजदीक है किंतु मर्यादित अंतर रखकर और एक दूसरे की पूरक बनकर साथ साथ आगे बढ़ती है। अतः रिश्तों की नाजुकता को उतावलेपन से बचा कर रखा जाए तो रिश्तों में गहराई के साथ ऊंचाई भी परिलक्षित होती है। जैसे एक हवाई जहाज जब जमीन पर उतरता है तो शीघ्रता नहीं करता, वह जमीन के साथ छोटा सा एंगल बनाकर उतरता है। अगर वह शीघ्रता में अपना एंगल बढ़ा कर दे तो दुर्घटना की पूर्ण संभावना है। संबंधों को मधुर बनाने वाली मशीन बाजार से खरीदी नहीं जा सकती, इसलिए रिश्तों में स्पार्क बनाए रखने हेतु दोनों को अपनी अपनी मानसिक तैयारी करना अति आवश्यक है। रिश्ते के पौधे का पोषण करने के लिए उचित मात्रा में रोशनी, धूप, पानी, अच्छे पोषक तत्व, छाया, प्रदूषण रहित वातावरण और सांस लेने जितनी जगह अवश्य हो। संक्षेप में, मंगल परिणय एक प्रॉमिसरी नोट है, ए प्रॉमिस टू पे। इसी कारण विवाह के समय वर और वधु को पंडित द्वारा सात वचन दिए जाते हैं। हालांकि सप्तपदी इस बात का प्रतीक है कि दोनों का महत्व समान है, नारी अनुचरी नहीं सहचरी भी है। आज के हालातों ने एवं आधुनिकता के बदलते रुख ने इन सात वचनों को निर्जीव बना दिया है। वे सात फेरे मात्र परिणय का कलेवर बनकर रह गए हैं। इसलिए इन सात वचनों को प्रासंगिक एवं प्रायोगिक धरातल पर समझना आवश्यक है। माना कि गृहस्थ का जीवन अर्थ और काम के पुरुषार्थ से युक्त है, तथापि धर्म की नींव पर खड़ा परिणय का पहला फेरा मुलायम मोड़ मोक्ष के मुकाम तक सुचारू रूप से गतिशील रहे, इसके लिए यहाँ परिणय की सप्तपदी यानी परिणय के सात फेरे के सात वचन प्रस्तुत है। मंगल परिणय का प्रथम वचन, परस्पर सम्मान की सुरक्षा करेंगे। विवाह का प्रथम चरण सम्मान से प्रारंभ होता हुआ प्रेम के शिखर का संस्पर्श करता है। दुनिया का हर इंसान आदर, प्यार और प्रशंसा जैसी चीजों से प्रभावित होता है, इसलिए एक दूसरे की निजता का सम्मान करना लाजमी है। ऐसा कोई हृदय नहीं जो सम्मान के महल में सलामती न पाता हो। आपसी आदर सम्मान सुरक्षा का दिलासा देकर जीवन को पुलकित बनाने में अत्यंत सक्षम है। अतः एक दूसरे के मध्य सम्मान की मीठी सुगंध छूती रहे तो जिंदगी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। मंगल परिणय का दूसरा वचन, शुभ संयोग को परम सहयोग बनाएंगे। परिणय के सुनहरी धागे में परस्पर सहयोग की मणियां पिरोने से जीवन का पथ सुगम बनता है। यूं भी दो तरफा सहयोग आपसी अपनत्व का उपहार लेकर आता है, क्योंकि आत्मीयता में ऐसी जबरदस्त भावनात्मकता है जो अतुलनीय आनंद का एहसास कराती है। आपसी अपेक्षाओं की पूर्ति में सहभागी बनने से संबंधों की नींव ठोस बनती है। अतः परिणय के फेरे में खुद को आगे रखने के लिए नहीं अपितु सहयोग की चाह से कदम रखना। मंगल परिणय का तीसरा वचन, संकट में सब्र रखेंगे। जीवन के आकाश में जब विपत्तियों के बादल घूमने लग जाए तब अपने अंतकरण में सब्र की वायु को प्रवाहित रखना। संकट काल प्राय विजय के साथ ही आता है, अतः संकट के वक्त सब्र के साथ एक दूसरे को सांत्वना देना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। विषम परिस्थिति में विचलित न होकर सहानुभूति और उम्मीदों के उजाले में
हालात के अनुसार मानसिकता बना लेने से संबंधों में पॉजिटिविटी कायम रहती है। मंगल परिणय का चौथा वचन, परस्पर सानिध्य से संक्रांति करेंगे। परिणय की सीप में समीपता की स्वाति बुन संक्रांति का मोती लेकर आती है। संक्रांति का मतलब है नव जीवन में सच्ची क्रांति घटित करना। दरअसल परस्पर की सन्निधि से जीवन का कायाकल्प करना सुविधाजनक हो जाता है। जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाते ही पहिया रुख बदलता है, ऐसे ही परिणय का मोड़ जीवन में नया पलटाव लाता है जो अपनेपन की एनर्जी से सुखद अनुभूति कराता है। मंगल परिणय का पांचवा वचन, सत्कार्य में सहकार देंगे। परिणय के रथ को सत्कार्य के राजमार्ग पर चलाने के लिए परस्पर सहभागी बनना, परार्थ एवं परमार्थ के कल्याणकारी कार्यों में आपसी सहकारिता का परिचय देना आवश्यक है, क्योंकि मुसीबतें कभी सत्कर्म की दीवार नहीं लांघती। यूं भी भलाई की ताकत जीवन को वरदान में बदल सकती है, अतः सत्कर्म के द्वार से गुजरकर एक दूसरे के पुण्योपार्जन में सत निमित्त बनना। मंगल परिणय का छठा वचन, सुख दुख में समविभाग करेंगे, यानी सुख दुख में शेयरिंग और केयरिंग करेंगे। सुख दुख की मिठास खटास आपस में बांटने से जिंदगी का उत्थान होता है। सुख में शेयरिंग और दुख में केयरिंग हृदय को हृदय से ऐसा आकर्षित करती है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। अनुकूलता को बांटने से मन चाहे का घमंड नहीं रहता और प्रतिकूलता का संविभाग करने से अनचाहे की शिकायत नहीं उभरती। इसलिए सुख में साझेदार बनना एवं दुख का निवारण मिलजुल कर करना। मंगल परिणय का सातवां वचन, सेवा द्वारा स्नेह बरसाएंगे। प्रेम से निकली सेवा वटवृक्ष बनती है। सौभाग्य को सर्वोपरि बनाने वाली सेवा जीवन की छवि को निखारती है। अगर जीवन के आसमान पर सेवा का नूर बरसता रहे तो संबंधों की घनिष्ठता अखंड रहती है। कहते हैं सेवा चंदन की वह छड़ी है जो देने और लेने वालों के हाथों में प्रेम की खुशबू का छितराव किए बिना नहीं रहती। सेवा प्रेम की पैदाइश होने से परिणय की थाली में खुशी के स्वस्तिक की रचना करती है। इस प्रकार यह सात फेरे के समय दिए गए सात वचन केवल व्यक्तिगत संबंधों को जोड़ने के लिए नहीं है, अपितु इसमें परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का संकल्प भी है। इसी कारण भारतीय विवाह पद्धति स्वयं में अद्वितीय है। अंत में ऐसे सात वचनों से सजी मंगल परिणय की पंखुड़ियों में स्नेह, समर्पण, सामंजस्य, सहयोग, सद्भाव, सत्कर्म एवं सद्धर्म के इंद्रधनुषी रंग भर दिए जाए तो दो हृदयों के मध्य समस्वरता और समरसता की गंगा यमुना सतत बहती रहेगी।